साइड साइड हटिए प्लीज. संतोष शर्मा कहाँ है? एडमिट है, ऑपरेशन चल रहा है. ऑपरेशन थिएटर आगे. थैंक यू. बस बस जीते, बस ठीक हो जाएगी अपनी संतोष. हाँ पुष्पा जी. जय हिंद मैडम सर. जय हिंद जय हिंद. चीता क्या? हाँ एक मिनट मैडम सर, यही वो नर्स है जो संतोष को यहाँ लेकर आई थी. ओके ठीक है. कैसे हुआ क्या हुआ हमें शुरुआत से बताइए हर डिटेल. मैम मुझे तो श्याम जी का कॉल आया था, उन्होंने मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताया. श्याम जी प्लीज. एक्सक्यूज मी. हाँ श्याम जी. जी मैडम. हमें शुरुआत से बताइए क्या हुआ, कैसे मिली आपको संतोष शर्मा. मैडम हम सुबह वो 5:30 बजे बहादुर शाह मार्ग पे सैर कर रहे थे तो अचानक हमने इस लड़की को लहूलुहान हालत में बेहोश पड़ा देखा, तो हमने हॉस्पिटल फोन किया, एम्बुलेंस मंगाई और ले आए यहाँ. वहाँ आसपास कोई और था? नहीं मैडम आसपास तो कोई नहीं था और इतने सुबह वहाँ कोई आता जाता भी नहीं. श्याम जी एक बात बताइए, जो कुछ भी आपने देखा वो देखकर आपको क्या लगता है, एक्सीडेंट ही था या कुछ और हो सकता है? नहीं मुझे तो एक्सीडेंट ही लगा. शुक्रिया आप जा सकते हैं. जी डॉक्टर. संतोष शर्मा. आप पेशेंट के साथ हैं? हाँ. SHO हसीना मलिक कैसी हैं वो? देखिए हॉस्पिटल आने के पहले उनका काफी ब्लड लॉस हो चुका था और सर पर भी काफी चोटें आई हैं. अभी ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, थोड़ी देर में उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया जाएगा. डॉक्टर साहब संतु ठीक तो हो जाएगी ना, तो पर चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? डॉक्टर ठीक ठीक है ना संतु जी? देखिए पेशेंट की हालत काफी नाजुक है, अभी जस्ट उनका ऑपरेशन हुआ है पर आफ्टर इम्पैक्ट भी बहुत जरूरी होता है, सो अभी कुछ कहा जा नहीं सकता जब तक कि पेशेंट होश में नहीं आ जाती. पुष्पा जी प्लीज प्लीज आप लोग इस तरह से, हम में से कोई भी अभी वीक नहीं पड़ सकता और संतोष शर्मा ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा उन्हें. ओके प्लीज. करिश्मा सिंह कहाँ है? मैडम सर वो सुबह ही निकल गई अपनी नई जॉब पर, हम कब से उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका फोन भी नहीं लग रहा है. अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं. मैडम सर. जय हिंद मैडम सर. सॉरी वो हमारा फोन ना भूल गए थे चार्ज करना. संतोष शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है. कहाँ? हम सब यहीं हैं उनके साथ सिटी हॉस्पिटल में. नहीं 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 वो मतलब ठीक है ना, मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ ना मैडम सर संतु को? अभी कुछ कह नहीं सकते, उन्हें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है और जब तक उन्हें होश नहीं आता कोई कुछ कह नहीं सकता. सो बेसिकली आने वाले 2-3 घंटे बहुत क्रिटिकल है हम सब के लिए. ठीक है मैडम सर, हम पहुंच रहे हैं, बस अभी पहुंच रहे हैं. ठीक है आ ही रहे हैं आप, जल्दी आइए. हे भोलेनाथ कहाँ जा रही हैं आप? सर वो अभी आई और अभी चल दी, ये कंपनी ही है ना? नहीं नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको पब्लिक पार्क समझती, अपनी मर्जी से आ गए अपनी मर्जी से चले गए, काम कौन करेगा मैडम? यहाँ पर काम करने की सैलरी मिलती है, टाइम पास करने की नहीं. बाय द वे अब आप हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हैं, आपने ही साइन किया था ना राइट? तो इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ पर हमारी मर्जी से आएंगी और हमारी मर्जी से ही जाएंगी, तो चुपचाप बैठिए और अपना काम कीजिए. चलिए करिश्मा सिंह ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ी मुझे. बहुत हुआ, एक शब्द और नहीं, अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द और निकला ना तो मैया कसम बता रही हैं यहीं चीर डालेंगे तुमको. बात सुन गया तुम्हारा, समझ गया तुम? दिमाग का दही करके रखा है हमारे. और एक
करिश्मा सिंह कहाँ है संतू, किधर है वो? ठीक तो है ना, ठीक हो जाएगी ना, मतलब कहाँ है संतू? श्याम, श्याम, कल्पना। जी मैडम। ये सब क्या है? आईसीयू के सामने इतनी भीड़ क्यों है? कहाँ थे तुम लोग? ऐसे ड्यूटी करते हो? अभी के अभी इस भीड़ को यहाँ से हटाओ। चलिए आप लोग यहाँ से बाहर आइए, आइए प्लीज, आइए यहाँ से। डॉक्टर, अब कैसी है संतोष शर्मा? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उन्हें ऑपरेशन के वक्त एनेस्थीसिया दिया गया था, पर एनेस्थीसिया का असर खत्म होने के बाद भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। मतलब आप खुल के समझाइए ना डॉक्टर साहब, मतलब होश में आ जाएगी ना हमारी संतू? संतोष शर्मा कोमा में जा चुकी है। और वो कब कोमा से बाहर आएगी ये हम नहीं बता सकते, उसमें एक दिन, दो दिन, एक महीना या एक साल भी लग सकता है। प्लीज प्रे फॉर हर। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ है ये, संतू कोमा में जा ही नहीं सकती, वो अभी हम उसको आवाज देंगे ना तो यूं खड़ी हो जाएगी, हाँ पुष्पे करके। संतू, संतू हमारे साथ चलो, हमारा अभी अभी इसी वक्त बदनाम की चाय पीने का मन कर रहा है, चलो दोनों जाके जहर पी के आते हैं। संतू तुम सुन क्यों नहीं रही हो? देखो तुम्हारे पुष्पी, तुम्हारे पुष्पी तुम्हें आवाज लगा रही है। संतू सही बोल रही है पुष्पा जी, अरे संतू जी थोड़ी कोमा में जाएंगे बिलोटे, देख अभी हम जाएंगे संतू जी के पास, एक बार बोल दिए नौ फिर मासूमिया तुरंत निकलेंगे बाहर डांटने के लिए हमको। संतू जी, मैडम सर, संतू जी हम आपके चीता, संतू जी ये लोग बोल रहे हैं कि आप उठेंगी नहीं, अरे संतू जी अभी उठेंगी मिलाटे, उफिय मासूमियत संतू जी उठिए ना, मालूम है आप ही सब ड्रामा कर रही है संतू जी, लेकिन ये ड्रामा का कौन असर नहीं होने वाला है हम पर, संतू जी उठिए ना। चीते, अरे संतू जी ने तेरी बात कभी मानी है कि जो आज मानेंगी? संतू जी उठिए ना, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई विल डिस्पायर। संतू जी चाय 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 चाय, अब ये रोना धोना बंद करो प्लीज, क्योंकि बदनाम लेकर आया है बदनाम स्पेशल चाय। क्यों इकबाल? तो ये भी इनमें से किसी को बताने की जरूरत है? मैडम सर ये सब छोड़िए, हमारा 888 रुपए बाकी है संतोष जी पे, क्या ने एक बार में 2.5 किलो बिरयानी खाती थी और पैसा उधार लगा के चली जाती थी। सुनो संतू, ऐसे ऐसे थोड़ी जा रहे देंगे उधार दिए बगैर। इनफैक्ट मैडम सर उन्होंने तो मेरा रिश्ता भी फिक्स कर दिया मैडम सर, और पता नहीं कहाँ किया होगा। आप दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म पहन कर जाएगा, जैसे ही पलट के देगी किसी ने मेरे बाल काट दिए मैडम, हम सब भी इन्हीं की तरह उस सनके आदमी के शिकार है मैडम,
आप दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म पहन कर जाइएगा। मैडम सर केस सॉल्व हो गया है, मैंने पकड़ लिया वो बाल काटने वाले को। जी मैं अभी आप ही के पास आ रही हूँ। मैडम सर आप यहाँ? ये एक्सीडेंट नहीं था। का? हाँ हमें बहुत अच्छे से याद है, हमें सुबह सुबह 5 बजे संतोष शर्मा का फोन आया था। वो बहुत एक्साइटेड थी, कह रही थी कि उन्होंने ये केस सॉल्व कर लिया है, वो अपराधी को बहुत अच्छे से पहचानती है और उसके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत भी हैं। और फिर अचानक से एक्सीडेंट? नहीं नहीं जी, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये उनके लास्ट फोन कॉल से रिलेटेड है, ये जो कुछ भी हुआ ये उससे रिलेटेड है। एक बात बताइए, उस दिन सिर्फ संतोष शर्मा ने यूनिफॉर्म पहनी थी, आपने नहीं? नहीं, नहीं हम नहीं थे, हम नहीं थे। यूनिफॉर्म मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब पावर। ये जो कोई भी आदमी है ये औरतों को अथॉरिटी में, पावर में नहीं देख सकता, उनकी स्ट्रेंथ से उसे नफरत है। इसीलिए उसने जितनी भी लड़कियों के बाल काटे हैं वो सब किसी ना किसी यूनिफॉर्म में थी। यही है ये केस, ये जरूर कोई साइको सनकी टाइप का आदमी है जो औरतों को पावरफुल नहीं देख सकता, अथॉरिटी में नहीं देख सकता, इसीलिए वो जानबूझकर उनके बाल काटता है ताकि वो उन्हें नीचा दिखा सके, उन्हें जलील कर सके, उन्हें ह्यूमिलिएट कर सके। ये करके उसे खुशी मिलती है, वो ये सब कर रहा है अपना मेल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। हमें जाना होगा, आप हैं ना यहाँ? मैडम सर हम इसमें आपके साथ हैं। माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे कि हमने नौकरी छोड़ दिया है। करिश्मा सिंह, नौकरी छोड़ने का फैसला आपका था, हमारा नहीं। हमने अभी तक आपके रेजिग्नेशन पेपर्स हेड ऑफिस नहीं भेजे हैं। आज आपकी ड्यूटी का आखिरी दिन है, आज तो आपको वर्दी पहनना चाहिए था ना? आखिरी दिन है ना संतू, इसलिए नहीं पहना। दोबारा पहन लेते ना तो फिर उतारने का वो हिम्मत नहीं हम जुटा पाते। सुबह सुबह 5 बजे संतोष शर्मा का फोन आया था, वो बहुत एक्साइटेड थी, कह रही थी कि उन्होंने ये केस सॉल्व कर लिया है, वो अपराधी को बहुत अच्छे से पहचानती है और उसके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत भी है। संतोष शर्मा कोमा में जा चुकी है। ये जरूर कोई साइको सनकी टाइप का आदमी है जो औरतों को पावरफुल नहीं देख सकता, अथॉरिटी में नहीं देख सकता, इसीलिए वो जानबूझकर उनके बाल काटता है ताकि वो उन्हें नीचा दिखा सके। वो ये सब कर रहा है अपना मेल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। नौकरी छोड़ने का फैसला आपका था, हमारा नहीं। ठीक बात नहीं है पुष्पा जी, ऐसे कोई करता है का? ये तो पूरा गलत है। देखिए बहुत वक्त है हमारे पास पुष्पा जी, पहले कुछ अच्छा कर लेते हैं, अपना पैर पर खड़ा हो जाते हैं।
अपने आप को उस लायक बना लेते, तब संतु जी के सामने जाकर बोलेंगे, संतु जी हमको ना आपसे शादी करना है, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया पुष्पा जी, सब गड़बड़ हो गया, सब बिखर गया। हमको अब पता चला है ना पुष्पा जी की जो वक्त होता है ना, कभी किसी के पास नहीं होता। ये हमको तब पता रहता ना पुष्पा जी, बोल देते कि संतु जी हमसे बहुत प्यार करते हो, हमको आपसे शादी करना। बड़ा बुरा लग रहा है पुष्पा जी, बड़ा इसे। संतु जी भी कुछ ठीक नहीं करती हैं, उनको का पता नहीं है का कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन हर वो क्या चीते मेरी समझ में नहीं आया। चीते तू क्या बोल रहे, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता है, सब समझ में आता है उनके पुष्पा जी, सब उनको पता है कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो कितना गलत कर रही है ना, वह जाके से बेड पे लेट गई है, बात बात भी नहीं कर रही है, पता नहीं काका लगाया है, सब सुई हुई लगाया है संतु जी को। पुष्पा जी एक बात ना साफ है, अगर संतु जी को कुछ भी हो गया ना पुष्पा जी, तो शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमारे संतु को। देखो पापा है ना, पापा सब ठीक कर देंगे। अरे हमारे संतु है कितनी भोली, पापा की लाडली है, पापा थोड़ी ना उसके सब कुछ गलत होने देंगे। गणपति पापा जो है ना, उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, क्योंकि सबके विघ्नहर्ते हैं वो, तो संतु के साथ भला ऐसे गलत कैसे होने देंगे बताओ। हाँ पापा पे भरोसा रखो, हमें तो हमारे पापा पे पूरा भरोसा है, तुम भी भरोसा करो, क्योंकि भरोसा है तो संदेह कैसा, और फिर अगर संदेह है तो फिर भरोसा कैसा। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हमारी संतु को। हाँ करिश्मा सिंह ऑन ड्यूटी रिपोर्टिंग मैडम सर। वेलकम बैक एसआई करिश्मा सिंह। हम यहाँ एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ तो एविडेंस ढूंढने आए, लेट्स गेट टू वर्क। जी संतोष का फोन, इसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि इसमें से कुछ मिलेगा, फिर भी एविडेंस के लिए भेज देंगे और देखते हैं और कुछ मिले। मैडम सर ये किसी गाड़ी के प्लास्टिक का टुकड़ा, इसमें खून का धब्बा। और ढूंढते हैं और भी कुछ मिलेगा। मैडम सर आप सही थे, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये उसी टोप आदमी का काम है, और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। इसे जल्द से जल्द लैब भेजते, इसमें से कोई एविडेंस, फिंगरप्रिंट, डीएनए कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। करिश्मा सिंह
करिश्मा सिंह, अरे कहाँ जा रही हैं आप? सुनी सुनी, संतोष शर्मा एक्सीडेंट केस। कौन से कमरे में? देखिए, हम उसके बड़े भाई हैं, रवि शर्मा। ये हमारे पिताजी सुरेंद्र शर्मा। कहाँ? प्रणाम बाबू जी, आप ना चिंता मत कीजिए, हम बताते हैं। प्रणाम। तुम? जी जी, हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है, हम संतु जी के साथ थाना में काम करते हैं। उना इस तरफ ICU में एडमिट है, आइए ना, हम लेके चलते हैं। आइए बाबू जी, आइए। आइए पिताजी, आइए बाबू जी। मेरी बच्ची, वो सो रही है ना? नहीं, कोमा में है। संभालिए पिताजी, पिताजी इधर आइए, आप इधर बैठिए, इधर आइए, बैठिए बाबूजी, आराम से बैठिए, पानी पीजिए, लीजिए। तुम्हारी वजह से हमारी पुल की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। अरे अगर रिश्ते की बात करनी थी तो कुछ चलकर हमारे घर आते मर्द की तरह, पर हमारी आंख में आंखें डालकर रिश्ते की बात करते। अरे हमारी पुल से काहे करवाई अपनी और उसकी शादी की बात, काहे और कहीं के। एक मिनट, आप गुस्सा काहे कर रहे हैं और यहाँ क्या कह रहे हैं? संतु जी, हमारी और उनकी शादी का बात की थी आप लोग। ये नाटक ना हमारे सामने मत करो, समझे? सब जानते हैं हम, तुम ही ने कहलवाया होगा हमारी पुलपुल से। पता नहीं हमारी बेवकूफ बहन ने क्या देख लिया तुम्हें। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में सोचने की भी? पिछड़ा डॉक्टर साहब, ये है संतोष शर्मा के पिताजी। कैसे मेरी बच्ची, मिल सकते हम उसे? जी आप मिल सकते, लेकिन सिर्फ 15 मिनट। हाँ, चलिए चलिए चलिए, आप अंदर चलो। चलिए हमसे हाँ, मुझे माफ कर दे यार, संतु जी ने बिल्लू को गलत साबित कर दिया। मुझे पता ही नहीं था वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है। बिल्लू प्रूफ रॉन्ग, मुझे इस बात की खुशी है वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है, इससे खुशी की बात कोई नहीं सकती मेरे लिए। नहीं मैडम सर, आज हमें रोकने की, हमें समझाने की आप बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, आज माफ कीजिएगा, लेकिन हमसे कुछ गलत हो जाएगा आज, इनकी मैया की सासू मैया, बताओ हमको। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि संतोष शर्मा इस कोमा वाली कंडीशन से कब बाहर आएगी ये कोई नहीं कह सकता, पर हाँ ये टोटली संतोष शर्मा पे डिपेंड करता है कि उन्हें जीने की कितनी इच्छा है। जितनी ज़्यादा इच्छा होगी ये उतनी जल्दी रिकवरी कर पाएंगी और कोमा से बाहर आ पाएंगी। क्यों नहीं बाहर आएगी? वो आएगी। संतो, ए संतो, चलो उठो उठो हमारे साथ चलो।
हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसने तुम्हारी ये हालत की है, उसे पकड़ना है और उसे उसे दिखाना है कि वर्दी पर हमला करने का अंजाम क्या होता है। चलो संतू उठो। अरे अपनी पुष्पी की बात नहीं मानोगी तुम? चलो उठो। नहीं संतू जी, संतू जी आपको उठना पड़ेगा। ये देखो ये चीते ने आपके लिए क्या लाया है, सिंगाड़े, सिंगाड़े लाइए। संतू जी उठिए, आपके शक्ति का राज ये सिंगाड़े खाकर उस आदमी का मार मार कर सिंगाड़े बना देना संतू जी। उसके लिए तो उठिए संतू जी, संतू जी। नहीं तो पुष्पा जी ना ये आपका ये कोमा वाला फोटो इंटरनेट पे डाल देगी। ट्रस्ट मी ये बहुत ही खराब पोज है, आपके सारे वो फॉलोअर्स भाग जाएंगे ऐसे वो कोमा वाली फोटो देखकर। संतोष जी इंटरनेट के लिए तो उठ जाइए संतोष जी, वो आपका लैपटॉप रहा देख रहा है, आपका डेस्क, आपकी चेयर। संतोष जी हाँ पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आज पहली बार हमने एक फैसला लिया है आपसे बिना पूछे, बताएं आपको? पुष्पा जी आपने जो कुछ भी सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, और अब जो करना चाहती हैं उस पर बिल्कुल अमल रही है। हमारी तरफ से पूरी परमिशन है और बाकी डॉक्टर से हम बात कर लेंगे। गुड लक। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। अब हम देखते हैं संतू होश में कैसे नहीं आती। मैंने इन्हें अच्छे से चेक कर लिया है, इनको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, और वैसे भी हमारी नर्स यहाँ पे इनकी देखभाल करने के लिए है और वार्ड बॉय शाम भी आते जाते रहेंगे, और वैसे भी आप लोगों के पास मेरा नंबर तो है ही, कभी भी कॉल कर लेना। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुना है आप लोगों के जज्बाती ट्रीटमेंट के बारे में, सुना है आप लोगों के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं, तो घुमाइए एक बार फिर से वही छड़ी और प्रूव कर दीजिए कि आपके जज्बातों के इलाज में कितनी ताकत है। डोंट वरी, ये ठीक हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ मैडम। अरे उनके जैसे, क्या नाम है उनका? उनके जैसे, किसके जैसे? वही तो याद नहीं आ रहा, किसकी तरह लग रही है संतोषी ना। भाग, देखा संतु दोनों कैसे बकेती किए जा रहे हैं। देखो अब तुम बताओ हम किसके जैसे लग रहे हैं। ओहो, तुम्हें तो कहा था ना कि पुष्पे एक दिन आप ऐसा लुक बना और फिर हम हमारी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालेंगे। चलो आज हम फोटो खींचते हैं। हाँ चलो 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 आओ। ओहो देखना जब ये फोटो डालोगे ना तुम अपने अकाउंट में, तो फिर देखना कैसे लाइक्स से फोन से बाहर उछल उछल के आएंगे। कैसे? ऐसे ऐसे उछल उछल के आएंगे। चलो ना संतू उठो ना, तुम्हारे लिए इतने तैयार होके आए हम। चलो एक फोटो खींचते हैं। पुष्पा जी एक मिनट, ऐसा त्रिकाल प्रचंड रूप दिखाइएगा संतू जी बेचारे डर जाएंगे, डर के मारे इनका चीख निकल जाएगा। संतू जी हर बात में घुस के बिना बात का जो रायता फैला देती है ना आप, कसम से वही मिस कर रहे हैं संतू जी। हमको ना इसे अच्छा नहीं लग रहा है संतू जी, मतलब तब से आप लेटी हुई हैं हमसे बात ही नहीं कर रही हैं। उठिए ना संतू जी, हम ना आपका मासूमियत देखने के लिए और खुद उफ ये मासूमियत बोलने के लिए तरस गए हैं संतू जी। ए पुलपुल,
पुलपुल लड़का बहुत अच्छा है। वो जो हमने तुम्हारे लिए देखा है। अच्छा बुलबुल, वो सब बाद में, तो एक काम कर, उठ हमारे साथ चल, हम एक बार फिर से बल्ली के बाग में चलेंगे, चोरी छुपे जाएंगे, आम चुरा के खाएंगे, बहुत मजा आएगा। चल ना बुलबुल, अपना बचपन एक बार फिर से जीते हैं। देखो बुलबुल उठो, वरना वरना हम तुम्हारे बाल खींच देंगे, कि रोते रोते माँ के पास मत जाना, कि देखो 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 भैया हमारे बाल खींच रहे हैं। ए बुलबुल उठना, बुलबुल उठते देख 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 सब है सब, वो मैडम जी, आपके थाने में एक और अफसर थी ना, क्या नाम है उसका? करिश्मा सिंह। करिश्मा, करिश्मा सिंह। मैडम अगर मेरी मेरी बुलबुल कहती थी कि मुझे हसीना मैम और करिश्मा मैम के जैसा बनना है, वो करिश्मा मैडम कहाँ? छन पकैया, छन पकैया, बिल बना, जरा टीवी लगा दे। अबे पागल, अपना एंटरटेनमेंट, अपना टीवी, अपनी जिम्मेदारी, निकले यहाँ से। किधर फालतू है क्या, एंटरटेनमेंट करने आए यहाँ पे? जरूरी खबर आ रही बोल का टीवी पे। खबर आ रही है? अब भी टाइम में बता दो वो बाल काटने वाला कौन है और कहाँ है, वरना वो हाल करेंगे कि मुझसे कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसे ना देखा। जैसा कि आपने देखा, जब से महिला कांस्टेबल संतोष शर्मा का एक्सीडेंट हुआ है, थाने की एसआई करिश्मा सिंह बेकाबू सी हो गई हैं। उन्होंने पूरे शहर में आतंक मचा के रखा है, नए पुराने सभी अपराधियों को निकाल निकाल कर पीट रही हैं और उन्हें पूरी तरह टॉर्चर कर रही हैं। कोई नहीं जानता करिश्मा सिंह का ये कहर और किस किस पर टूटेगा। ये है करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद मिस मलिक, जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर आइए। अभी? हाँ अभी। जी सर, माफ कीजिए हमें जाना होगा। क्या है ये सब? क्या बात है पुष्पा जी, मुजरिमों का हड्डी जो है इन डंडों से ज्यादा मजबूत हो गया है क्या? नया नया डंडा और बेल्ट दोनों मंगवाइए तत्काल की स्पीड में, समझ लिया आप हमारी बात को? बहुत सारे लोग अभी भी हमारे लिस्ट में बाकी हैं। देखिए करिश्मा जी, हम आपका गुस्सा, आपका आक्रोश समझते हैं, मगर ये भी कोई तरीका हुआ अपराधियों को पकड़ने का? डीएसपी सर का फोन आया था, मैडम सर को बुलाया है आपके बारे में बात करने के लिए। देखिए आप समझते क्यों नहीं है, कुछ भी हो जाए हमें जो कुछ भी करना है कानून की सीमा में रहकर ही करना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया बात है ना ये, जितना भी कायदा कानून है, जितना भी रोक टोक है, वो सब पुलिस वालों को, और ऐसे अश्लील अपराधी जो बाहर खुले में घूम रहे हैं, जो हमारी ऐसे संतु जैसी मासूम लड़कियों के साथ कुछ भी करते फिरते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। संतु जी, पुष्पा जी, हमारी हमारी संतु, हमारी हस्ती खेलती संतु, देख रही कैसे जिंदा लाश बना के छोड़ दी उन। नहीं छोड़ेंगे हम, नहीं छोड़ेंगे। आपका खून नहीं खोल रहा है क्या पुष्पा जी? खोलता है, हमारा खून भी उतना ही खोलता है करिश्मा सिंह, जितना इस वक्त आपका खोल रहा है। लेकिन हम अपने गुस्से की जद की जिम्मेदारी समझते हैं, जो आप नहीं समझती। जानवर का इलाज करने के लिए खुद जानवर बनना जरूरी नहीं है। होता है मैडम सर, जानवर को पकड़ने के लिए जानवर बनना पड़ता है, यही दस्तूर है शिकार का, जिसने पहले दबोचा बाजी उसका। ऐसे अश्लील, घटिया और ऐसे जानवर लोगों को पकड़ने के लिए ना मैडम सर, हमें हमें जानवर बनना पड़ेगा और हम बनेंगे। करिश्मा सिंह, बात को समझने की कोशिश करिए, हम पुलिस वाले हैं, हमने ये वर्दी पहन रखी है जिसकी गरिमा हमें हर हालत में संभाल कर रखनी होगी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे मीडिया जो है हमारे इस थाने का नाम खराब कर दे, जो कि वो करेगी, और ये बात आप भी जानती हैं। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर जब तक हम इन अश्लील अपराधियों को पकड़कर जिंदा नहीं काट देते ना, तब तक हम चैन का सांस नहीं ले पाएंगे। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम शांत नहीं होंगे, हम उनको पकड़ के ही रहेंगे। संतु जी, मैडम सर में करिश्मा मैडम बहुत बिजोर झगड़ा हो रहा है, उठिए उठिए, देखिए ये वर्ल्ड कप जैसा झगड़ा है, 4-5 साल में एक बार देखने को मिलता है। संतु तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हाँ तुम्हारा जो अपराधी है ना, उसको हम पकड़ के एक के दो नहीं कर देंगे ना, चीर नहीं डालेंगे ना, तब तक हमें चैन का सांस नहीं लेंगे। हम वादा करते हैं तुमसे, और ये तो तुम भी जानती हो ना कि तुम्हारी करिश्मा मैडम अपने वादा का कितना पक्की है।
मत। मैडम का ये हमारा हाथ है। भक मैडम सर, अब संतोष शर्मा ने हमसे कहा था कि उन्हें इस क्रिमिनल के बारे में कोई बहुत अच्छा सा क्लू मिल गया है और वो यकीन से बता सकती हैं कि वो बाल काटने वाला आदमी कौन है। हो सकता है उनके लैपटॉप में कुछ मिल जाए। मैडम सर ये हाँ 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 नहीं पुष्पा जी, यहाँ तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं। मैडम सर उठो। तो मोबाइल रिपेयर वाला बोला कि ये जो मोबाइल है कबाड़ा हो गया है, इसका कुछ नहीं हो सकता। संतोष जी आपका मोबाइल देखो कबाड़ा हो गया, उठो ना। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे चूहा खुद निकलकर बिल के बाहर आए। कैसे चूहा बिल से कैसे बाहर निकलेगा? रोटी दिखा कर। कल हम उन सारी औरतों को सम्मानित करेंगे जो किसी न किसी तरीके की वर्दी पहनकर अपना काम करती हो। यूनिफॉर्म वुमेन। महिला थाना जनपद लखनऊ वाले औरतों का सम्मान करने वाले हैं। अरे वाह, सम्मान करने वाले हैं। अच्छा है ना, इससे क्या है औरतों में उत्साह पैदा होता है। अब देखना औरतों में है ना वर्दी वाले जॉब का क्रेज पैदा होगा। सही कहा। हम S.H.O हसीना मलिक महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमें लगता है कि शायद आप सब यही सोच रहे हैं कि हमने इस तरह से अनोखा सा ऑनर ऑफ यूनिफॉर्म वुमेन जैसा अवार्ड क्यों रखा। आगे संतु जी देखिए, दरअसल सच बात तो ये है कि ये अचानक नहीं है। हम बहुत समय से ऐसा कुछ प्लान करना चाह रहे थे लेकिन हमें वक्त नहीं मिल पा रहा था, और आज जब ये हुआ है तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जितनी भी यूनिफॉर्म्ड औरतें हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन की हो, किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी फील्ड से हो, हम सब के लिए हमारी वर्दी हमारी पहचान है, हमारा गुरूर है। एक सरफिरा है जिससे औरत की ये ताकत बर्दाश्त नहीं होती, जो एक औरत को वर्दी में देख नहीं सकता, और इसलिए जानबूझकर औरतों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए अजीब सी ऊटपटांग सी हरकतें कर रहा है। संतु जी, मैडम सर ना अपना पूरा चाल चल दी हैं और चूहा को बिल से निकालने का ना सारा का सारा तैयारी हो गया है। अब हमको पूरा यकीन है कुछ भी हो जाए वो कमीना ना बचने वाला नहीं। संतु जी जल्दी दबोच लेंगी मैडम सर उसको। मैडम सर पुरजोर कोशिश में है, आप वहाँ नहीं है तो क्या हुआ? हम है ना, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे वहाँ पर क्या हो रहा है। संतु जी देखिए ना, संतु जी मैडम सर क्या बोल रही हैं आगे। देखिए संतु जी, लेकिन हम आप सब से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे सिरफरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक डरपोक सा आदमी है जो छुपकर मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे बहुत हैं। हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें सच में हिम्मत होती तो ये हमारे सामने आता, आए हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने किसी औरत पर हाथ उठाने की कोशिश तो करे, फिर उसे पता चलेगा कि इस वर्दी में कितनी ताकत है। जी मैडम सर,
उम्मीद है सारी औरतों पर तुमने नजर बनाई रखी होगी। जी मैडम सर, हमने उन औरतों पर नजर बनाए रखी है। ओके, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जी मैडम सर, हमें सब पता है। मुझे और इकबाल को उन औरतों पर नजर रखनी है, जिस पर भी शक हो जाए आपको खबर करनी है। सही कहा मैंने? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, होशियारी से करना जो भी करना। जी जी मैडम सर, नसीर साहब चले। निकल गया, निकल गया। हेलो पुष्पा जी, कोई गड़बड़, किसी पर शक, कोई संदिग्ध आदमी? नहीं मैडम सर, अभी तक तो सब ठीक है। हम उन्हीं औरतों के पीछे हैं जो अभी भी पुरस्कार समारोह से निकली हैं। हमने पूरी नजर रखी है, बस हमें एक ही बात का डर लग रहा है मैडम सर। क्या? अगर वो बाल काटने वाला इंसान इन औरतों को छोड़कर हम जैसी कमसीन कली के पीछे पड़ गया तो? पुष्पा जी। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। तजुर्बा कहता है हमारा, उसके जैसा इंसान जो है अपने शरीर पर चोट सहन कर सकता है लेकिन अपने गुरूर पर नहीं। और हमने उसके गुरूर को लटकारा है, वो आज आएगा भी और हमला भी करेगा। जी मैडम सर, और वो आपके शिकंजे से कभी बच नहीं पाएगा। आपने उन सभी औरतों के पीछे किसी न किसी को लगाया है, अगर वो हमला करेगा तो बच नहीं पाएगा। उम्मीद तो यही करते हैं पुष्पा जी, हमने वैसे भी हेडक्वार्टर से बैकअप मंगवाया है फॉर एक्स्ट्रा हेल्प। कोशिश तो यही है कि इस शहर की औरतों का डर आज ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर कोई भी गड़बड़ तो मैं तुरंत फोन करिएगा। जी मैडम सर। मैडम सर, इन औरतों के पीछे अभी तक तो कोई नहीं है। मैं ही हूँ बस, मतलब ड्यूटी ड्यूटी मैडम। ठीक है। हाँ मैडम, हम तो पूरा ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन अफसोस का बात यह है कि अब तक कोई है संदिग्ध दिखा नहीं है मैडम। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकना। हेलो। जय हिंद मैडम सर, वो सारी औरतें सुरक्षित हैं, अपने अपने घर पहुंच गई हैं। यहाँ तो सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। क्या? जय हिंद मैडम सर। मैडम जी रहने दीजिए मैडम, और हम नहीं, मैडम, नहीं कर पाएंगे मैडम, प्लीज मैडम। नहीं मैडम, मैडम जी हमें मत मारिए, छोड़ो। आज हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हमने वोल्टेज बढ़ाया, समझ रहे हमारी बात को? एक सवाल पूछेंगे, सच में जवाब चाहिए। सच में जवाब नहीं आया तो मैया कसम बता रहे, बाहर जितने भी कौवे हैं ना, आज उनका कबाब का दावत पक्का है। जिस दिन संतोष शर्मा पर हमला हुआ था उस दिन तुम दोनों अपने घर पर नहीं थे, इतना हमने मालूम किया है। तो फिर तुम दोनों कहाँ थे, बताओ हमको। बताओ बताओ, एक दो। हेलो जी, हम आ रहे हैं। हमें हमारी बच्ची को ले जाने दीजिए, जब तक वो है जैसे भी हमारे गांव हमारे साथ रहेगी। देखिए इसकी हालत अब भी नाजुक है, आप इसे नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते, ठीक नहीं है। आप शांति से दिमाग, शांति से काम लीजिए। आप पलंग छोड़ो। करिश्मा सिंह देखिए। नहीं कुछ नहीं मैडम, आप बीच में मत बोलिए। संतू के पिताजी है तो का हुआ, ये थाना है और यहाँ पे इनका मनमानी नहीं चलेगा। छोड़िए वरना साएं से यहाँ गोली चलेगा और दाएं से वहां पे दाया कान उड़ जाएगा, बता रहे हैं। क्या हुआ? इनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है और ब्लड प्रेशर भी। आई गेस हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। श्याम जी प्लीज कॉल करिए डॉक्टर को। सुनिए ये ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। आप लोगों की वजह से इनकी हालत और बिगड़ गई है। डॉक्टर साहब आ रही हैं। आ रही आ रही।
देखिए इनकी हालत बहुत खराब होते जा रही है, अगर इनकी हार्ट बीट ऐसे ही बढ़ती गई ना तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या हो सकता है? शायद कुछ मिनटों में इनकी जान भी चली जाए। डॉक्टर साहब जान जा सकती है, मतलब आप डॉक्टर वो पढ़े लिखे हो, आपने इतना बड़ा अस्पताल खोल के रखा है और जान कैसे जा सकती है? आप कोशिश कीजिए, संतोष जी को बचाइए, कोशिश करो हमारे संतोष जी को बचाओ डॉक्टर साहब। नहीं नहीं हमारे संतु को कुछ नहीं हो सकता, हटो हटो हटो, कुछ नहीं होगा हमारे संतु को। संतु संतु तुम्हें याद है तुमने कहा था तुम्हें अपने जीवन में बस दो ही लोगों की शादी की बहुत बड़ी चिंता है, एक तुम्हारा फेवरेट सलमान खान और दूसरी हमारी मैडम सर। और तुमने ये भी कहा था ना कि जिस दिन मैडम सर की शादी होगी वो दिन तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। फिलहाल सलमान खान का तो हमें कुछ पता नहीं, मगर मगर मैडम सर ने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया। हाँ 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 हम शादी कर रहे हैं। वो देखिए पूछो तो सही लड़का कौन है? कौन है माँ? हमारा बिल्लू, और कौन? बिलौटा बिलौटा करेगा मैडम सर से शादी, यही बिलौटा अपना करेगा। उठिए ना संतु जी, देखो ना जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम एक दूजे के लिए ही बने हैं दोनों। देखो देखो हाँ संतु हम बिल्लू से हम शादी कर रहे हैं, हमें हमेशा से बिल्लू ही पसंद था भाई, हमारे दिल का राजकुमार संतु। बिल्लू बिल्लू क्यों बिल्लू है ना? हाँ हाँ हम ही हैं इनके दिल के राजकुमार। सत्य जी बड़ा घां के ही बिलौटा, ये बिलौटा तो कब से प्यार करता है मैडम सर से पर कभी बताया ही नहीं। अरे आपको बताया संतु जी, दोनों लोग मिलके ना अपना लड़का लड़की का नाम भी सोच लिया है, अगर लड़की हुई ना तो हसीलू और लड़का हुआ तो बिलूना है ना। अरे मैडम सर आप मांग तो भरिए ना बिल्लू की। नहीं नहीं मतलब बिल्लू मांग भरो मैडम सर की, वो ऐसे आ रहे थे। हाँ देखो देखो अभी देखना तो मांग भरेंगे। माँ क्या मांग रही हो आप? संतु के लिए करना पड़ेगा। पुष्पा जी ज्यादा हो रहा है, क्या कर रही हो? ज्यादा नहीं हो रहा है। अच्छा सिंदूरी नहीं है, सिंदूर नहीं है? नहीं मैडम सर सिंदूर है, मंदिर में बहुत ज्यादा सिंदूर पड़ा हुआ है। हाँ वो तो भूल ही गए, लेकर आइए अभी लेकर आते हैं। डॉक्टर बताइए कुछ क्या हो रहा है ये? माँ ये कोई मौका है ओवर एक्टिंग करने का, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा करियर? संतु संतु देखो यहाँ बिल्लू मैडम से की मांग भर है, तुमने कहा था ना तुम उनकी शादी में बहुत नाचोगी, अपना वादा पूरा करो, उठो उठो चलो हमारे साथ नाच करो। संतु देखो तो सही, उठो संतु जी देखो मैं मांग भर रहा हूँ। ये बंद क्यों हुए डॉक्टर?
क्या हुआ मैडम? शी इज नो मोर। जाना बेटा, एक बार रवि बोल ना, एक बार उठ जा, मैं नहीं डांटूंगा इसको। संतू जगी हूँ, जगी हूँ मैम, मैं ड्यूटी पे नहीं सोती मैडम। पर मैडम एक काम कीजिए ना, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी, आप जाइए, आपका आज ऑफिस का फर्स्ट डे रहेगा ना। परेशानी तो बहुत है मैडम सर, किस्मत और क्वार्टर कर्नल लगातार खराब चल रहे हैं, मेरे पिंपल्स जा ही नहीं रहे हैं और सैलरी है कि आ ही नहीं रही। मैडम सर प्लीज आप एक बार मेरी मम्मी पापा से बात कर लेंगी, आपको तो एक्सपीरियंस है ना शादी ना करने का। सोचना होगा कि कैसे इस देश को मुजरिमों से बचाया जाए, कैसे करिश्मा मैडम की जो भोगाल की फ्रेंचाइजी है ना उसको आगे लेकर जाऊं, कैसे मासूम लोगों की रक्षा करूं मैं, और सबसे मेन बात मैडम सर, सबसे बड़ी बात कि मेरे होते हुए, संतोष शर्मा के होते हुए मेरी मैडम सर पर आज भी ना है। कैसे? ऐसे। सॉरी पुष्पा को थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, लव यू। हम सब हैं आज। हे बिल्लू, कहाँ जा रहे हो तुम? मां बस हो गया, इस थाने से मेरा दाना पानी उठ गया है, मैं जा रहा हूं। तुमने वादा किया था ना, आखिरी दम तक तुम इस थाने का साथ दोगे, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना ही होगा। चलो संतोषी उठिए ना, संतोषी, मैडम ही बोल नहीं रही है। ये आवाज आ रहा है इसमें से, कुछ कीजिए कुछ कीजिए। Oh my God, she's alive. बुलबुल जिंदा है, बुलबुल जिंदा है पिताजी।
वो सब तो ठीक है, लेकिन बिलोटे तुम्हारा शादी मैडम सर के साथ पक्का है। सो जा हसीना, कितनी रात हो गई है, तेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाएंगे, फिर कोई लड़का तुझसे शादी नहीं करेगा। हाँ हमारा लड़का तो डार्क सर्कल देखकर ही शादी करेगा ना अम्मी। थैंक यू संतोष शर्मा, आपने ऑलमोस्ट अपने सारे अकाउंट्स में लॉगिन कर रखा है। फेवरेट वीडियोस, ये क्या है? जय हिंद सर। जय हिंद। तो हम ये कह रहे थे मिस मलिक, हमने आपके लिए अर्जेंट बेसिस पे इंटरव्यू अरेंज करवाया है। वो बाल काटने वाले केस और ये करिश्मा सिंह की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की जो किरकिरी हो रही है ना, इसके ऊपर सफाई नहीं है और हमारे डिपार्टमेंट की छवि को बिगड़ने से बचाइए। हाँ सर, लेकिन इस वक्त हम घर पे हैं, अभी कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं? अपना दरवाजा खोलिए और देखिए, चैनल वाले कैमरा लेके आपके दरवाजे के सामने खड़े हैं। हाँ क्या इस वक्त? अरे हाँ भाई, हम सब जानते हैं इस चैनल का 10 बजे स्पेशल शो आता है और इस स्पेशल शो को पूरा का पूरा शहर देखता है और आपको लाइव कैमरा दिया जाएगा भाई। क्या लाइव? और आपका इंटरव्यू सीधा प्रसारण किया जाएगा। देखिए आप अपना इंटरव्यू दीजिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, समझ रहे हैं आप? हाँ 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 सर सर, जय हिंद। कल्पना, शाम बोल रहा हूँ, एक काम करो, शाह रोड में ना एक एम्बुलेंस भेजो, एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है, बहुत खून बह गया है। अरे मैं इधर से गुजर रहा था, देख लिया, तू जल्दी कर, भेज यहाँ पर एम्बुलेंस। हम तो सिर्फ तुम्हारे बाल काटकर तुम्हारी इस वर्दी का कमल तोड़ना चाहते थे, तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। ये जो तुम्हारी हालत है ना, सब अपनी वजह से है। इसलिए हमने क्या किया, तुम्हें अपने हॉस्पिटल ले आए ताकि तुम्हारा इलाज हमारी आंखों के सामने हो। हम तुम्हारी जान नहीं देना चाहते थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तुम्हारी जान तो लेनी ही पड़ेगी। शहर में कुंठित अपराधी घूम रहा है जो औरतों के बाल काटकर उन्हें ह्यूमिलेट कर रहा है, और आप ऐसे साइको क्रिमिनल को पकड़ने की वजह ये
यूनिफॉर्म अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही हैं और इस गैर जिम्मेदारी में आपका खुद डीएसपी साहब सहयोग भी कर रहे हैं। देखिए, ये सम्मान समारोह करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। ये हमारी तरफ से एक करारा जवाब था उस आदमी के लिए जो ये घटिया हरकत कर रहा है, जो समझता है कि एक औरत की जगह सिर्फ किचन में होती है आटा गूंदने के लिए। उसे कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है इस दुनिया में अपनी जगह बनाने का, खुद की एक पहचान बनाने का। इसलिए जब भी वो किसी वर्दी में एक पावरफुल औरत को देखता है, सह नहीं पाता है और ये बाल काटने जैसी घटिया हरकत करता है। लेकिन अगर ये आदमी इस वक्त ये इंटरव्यू देख रहा है तो हमारी बात कान खोल कर सुनो। ये वर्दी हमारा गर्व है, हमारा गुरूर है, जो हमें हमारे होने का एहसास दिलाती है। और तुम जैसा राह चलता डरपोक इंसान हमसे हमारा गर्व नहीं छीन सकता। हाँ, तुम एक डरपोक, कायर और बुजदिल इंसान हो जो छुपकर अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहा है। हिम्मत है, हमारे सामने आओ। हमारे सामने किसी भी औरत के पास जाने की हिम्मत करके दिखाओ, फिर हम बताएंगे कि इस वर्दी में कितनी ताकत है। अगला सवाल, करिश्मा सिंह जी ने जो इस शहर में आतंक मचा रखा है, आप क्या कहना चाहेंगी? वर्दी पर हमला हुआ है मैडम, तकलीफ तो होगी। अब अगर हमने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हों तो कैन आई गेट बैक टू वर्क? जी, थैंक यू सो मच आपका अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। नो नो, मैडम से संतू के लैपटॉप में जितना भी वीडियोस था ना, हम सब छाट चुके हैं, कि लास्ट वीडियो बचा ये भी देख लेते हैं। ओके। एक तो मेरे गाड़ी के सामने आ गए और मुझसे पैसे मांग रहे हो। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, घूर क्या रहे हो? लगाओगे ना एक थप्पड़? अपना स्कूटी उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो। ये आदमी, ये आवाज हमने कहीं तो सुना है पहले। दोबारा लगाएं फिर। हाँ, एक बार लगाओ फिर से। हाँ चीता। हेलो मैडम सर, संतू जी। संतू, क्या हुआ संतू को? मैडम सर क्या बताएं, पता नहीं मशीन सब में से आवाज आना बंद हो गया। संतू जी में कोई मूवमेंट भी नहीं है मैडम सर, बहुत डर लग रहा है। प्लीज आ जाइए मैडम सर।